हेलो एवरीवन, हम स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में देखा था। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायंसी। बायंसी क्या है? ठीक है, बायंसी क्या होती है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो बायंसी क्या होती है? व्हेन ए बॉडी इज होली और पार्शियली इमर्ज इन ए फ्लूइड, द हाइड्रोस्टेटिक लिफ्ट ड्यू टू द नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फॉर फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड बायंट फोर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड बायंसी। तो बायंसी होती क्या है? जब कोई फ्लूइड में कोई सब्सटेंस या कोई एलिमेंट उसमें जब इमर्ज किया रहता है, अगर वो फुल्ली इमर्ज किया रहता है, होली यानी कि होली माने पूरी तरह से डूबा हुआ रहता है, या फिर पार्शियली इमर्ज हो सकता है, दो तरह से इमर्ज किया जा सकता है, या पार्शियली या उसका आधा भाग डूबा हुआ है और आधा ऊपर है, तो उस एलिमेंट पे या उस सब्सटेंस पे प्रेशर की वजह से कोई फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, और उस फोर्स को जो एक्ट करता है एलिमेंट पे उसे ही हम लोग कहते हैं बायंट फोर्स। ठीक है, और इस बायंट फोर्स को जिस फेनोमेनन के कारण होता है उसे हम लोग कहते हैं बायंसी। तो ये था हमारा, ये है बायंसी, जिसे हम लोग बायंसी कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग बायंट फोर्स को कैलकुलेट कैसे करने के लिए इसे हमने कंसीडर किए हैं, एक फ्लूइड, ये इस फ्लूइड का फ्री सरफेस है, इस पे एक एलिमेंट या फिर सब्सटेंस कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं। तो एलिमेंट मान लीजिए इसमें इमेरिस्ट किया हुआ है, तो एलिमेंट का ये सरफेस, दो सरफेस है। ठीक है, तो दो सरफेस है इसका, तो यहां पे इसको हम एम मान लेते हैं, एम हाइट तक मान लेते हैं और इसको हम एन मान लेते हैं। ठीक है, अब जो एम हाइट तक है तो इसके वजह से यहां पे इसका हाइट जो होगा ये, इसको हम लोग एच वन ले लेते हैं, ये हमारा हाइट एच वन है। ठीक है, यहाँ पे अलग प्रेशर एक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइट कुछ अलग है। अब इस पोर्शन में जो हमारा है यहाँ पे प्रेशर हमारा कुछ अलग एक्ट करेगा, तो यहाँ पे हाइट हम लोग एस टू ले लेते हैं, ये हमारा हाइट है एस टू। ठीक है, अब यहाँ पे एस टू हाइट की वजह से जो प्रेशर है वो अलग रहेगा, एच वन हाइट की वजह से वहां पे प्रेशर अलग रहेगा फ्रॉम हाइड्रोस्टेटिक्स लॉ के कारण। तो प्रेशर ऑन एम पे हमारा जो प्रेशर क्या होगा, ऑन एच वन हाइट पे जो एम है वहां पे उस सरफेस पे हमारा प्रेशर क्या होगा, तो उस सरफेस पे इसको हम लोग जो फ्लूइड, इस फ्लूइड का डेंसिटी है इसको हम लोग रो मान लेते हैं, रो इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कंसीडर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे m सरफेस पे h1 हाइट की वजह से हमारा प्रेशर क्या होगा, p1 इक्वल्स टू हो जाएगा रो जी h1। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी वन इक्वल्स टू रो वन जी एच वन। ठीक है, अब ये फ्लूइड में पूरी तरह से इमेरिज्ड है तो इस सरफेस पे यहां पे अलग प्रेशर एक्ट करेगा, इसको हम लोग पी वन मान लेते हैं। ठीक है, अब जब यहां से प्रेशर अलग एक्ट करेगा, देखिए प्रेशर हमेशा बॉडी के नॉर्मल एक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए, जो प्रेशर होता है वो हमेशा बॉडी के नॉर्मल एक्ट करता है। ठीक है, तो इस वजह से इधर यहां पे भी प्रेशर एक्ट करेगा, तो यहाँ एच वन हाइट मान है तो इसको यहाँ पे हम लोग पी वन मान लेते हैं, यहाँ हम लोग पी टू मान लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर अलग एक्ट कर रहा है, तो यानी कि फोर्स भी यहाँ पे कुछ अलग हुआ, तो पी वन ए, ठीक है, जो सर ये इसका जो एरिया है इसको ए कंसीडर कर देते हैं, जो फोर्स हो जाएगा इस एम पे तो वो हो जाएगा पी वन इंटू ए, और फोर्स ऑन एन पे हो जाएगा पी टू इंटू ए, ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट, ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
ऑफ एलिमेंट, ये हम मान लेते हैं। तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन एम इक्वल्स टू हो जाएगा पी वन इक्वल्स टू रो वन जी एच वन। उसी तरह एट एन पे जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन एन, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन एन इक्वल्स टू हो जाएगा रो पी टू इक्वल्स टू रो जी एस टू, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे देखिए जो समेशन ऑफ फोर्सेस, यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्सेस हम जीरो करते हैं, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? तो अगर समेशन ऑफ फोर्सेस हम जीरो करते हैं तो इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं एक तरफ से बायोंड फोर्स। ठीक है, जो टोटल फोर्स इस एलिमेंट पे एक्ट कर रहा है प्रेशर की वजह से, उसे ही हम लोग कहते हैं बायोंड फोर्स। तो समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू जीरो, तो बायोंड फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ बी इक्वल्स टू बायोंड फोर्स इसको एफ बी से डिनोट करते हैं, तो बायोंड फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए दोनों साइड से जो फोर्स एक्ट कर रहा है, तो पी टू माइनस पी वन इंटू ए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब पी टू हमारा क्या है, पी टू इक्वल्स टू है रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन इंटू ए, एफ बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा। तो एफ बी फिर इसको आगे ले जाते हैं, तो एफ बी इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर रो जी को हम बाहर निकाल देते हैं तो हमारा क्या बचता है, रो जी इंटू ए, तो यहां पे बच रहा है हमारा एच टू माइनस एच वन। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पे जो ए है आपका एरिया हो गया, ठीक है, और एस टू माइनस एच वन वो क्या हो गया, हाइट ऑफ एलिमेंट। एस टू माइनस एच वन जो हो गया वो हमारा हो गया हाइट या लेंथ, इसको भी बोल सकते हैं, जो इसका एलिमेंट का है। ठीक है, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल एलिमेंट। तो ए इंटू एस टू माइनस एच वन हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल एलिमेंट, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल एलिमेंट, इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब हम इसको एफ बी को लिख सकते हैं, एफ बी इक्वल्स टू हो जाएगा रो G इंटू वी, ये हमारा हो गया बायोंड फोर्स जो हमारा सब्सटेंस या एलिमेंट पे एक्ट करता है, ये हमारा हो गया बायोंड फोर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं जो वी हमारा है वो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल एलिमेंट, तो ये वी जो है किसके बराबर है, ये वॉल्यूम उसके बराबर है कि ये वॉल्यूम उतना ही है जितना ये फ्लूइड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस्ड कर रहा है। ठीक है, ये उतना ही में, जैसे ये इमर्ज है तो ये उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जितना ये फ्लूइड को या फ्लूइड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस्ड कर रहा है, वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इसे हम लोग डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये हमारा हो गया डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो ये था हमारा, ये हमारा बायोंड फोर्स का इक्वेशन, इस इक्वेशन के द्वारा हम बायोंड फोर्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ बायोंसी, तो सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होता है, द पॉइंट एट विच बायोंड फोर्स एक्ट्स इज नाउन एज सेंटर ऑफ बायोंसी, जहां पे हमारा देखिए जो फोर्स है उसको, फोर्स को अगर जानने के लिए तीन उसके जो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन,
उसके बारे में जानना जरूरी है। तो एक है मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन और एक है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहां पे फोर्स हमारा एक्ट करता है उसे ही हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो द पॉइंट एट विच बायोंड फोर्स एक्ट इज नाउन एज सेंटर ऑफ बायोन्सी। तो सेंटर ऑफ बायोन्सी इसको लिख सकते हैं सेंटर ऑफ बायोन्सी द फोर्स द पॉइंट एट विच द पॉइंट एट विच द पॉइंट एट विच बायोंड फोर्स बायोंड फोर्स एक्ट एक्ट एज नॉन एज बायोंड फोर्स एक्ट इज नॉन एज सेंटर ऑफ बायोन्सी। उसे हम लोग सेंटर ऑफ बायोन्सी कहते हैं। तो ये था हमारा बायोन्सी के बारे में डिस्कशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो आज के टॉपिक में इतना ही, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मोर अपडेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।